नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 10 Play vs Xiaomi Poco M2 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 10 Play में 6.76 इंच जबकि Poco M2 Pro में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 10 Play से कम है। विड्थ की बात करें तो 10 Play में 3.07 इंच जबकि Poco M2 Pro में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 10 Play से कम है। बात करें थिकनेस की तो 10 Play में 0.35 इंच जबकि Poco M2 Pro में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो 10 Play में 207 ग्राम्स जबकि Poco M2 Pro में 209 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 10 Play में 20:5:9 जबकि Poco M2 Pro में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 10 Play में 6.82 इंचेस जबकि Poco M2 Pro में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 10 Play में 720x1640 और Poco M2 Pro में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 10 Play में 82.66% जबकि Poco M2 Pro में 84.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 10 Play में 263 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Poco M2 Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 10 Play में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Poco M2 Pro की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 10 Play में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Poco M2 Pro की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 10 Play में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Poco M2 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 10 Play में पावर GE8320 जबकि Poco M2 Pro में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 10 Play में MediaTek Helio G35 और Poco M2 Pro में Qualcomm Snapdragon 720G मिलता है। बात करें RAM की तो 10 Play में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB की RAM मिलती है, जबकि Poco M2 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 10 Play में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Poco M2 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 10 Play में अप टू 256GB जबकि Poco M2 Pro में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 क्यू देखने को मिलती है। बैटरी 10 Play में 6000mAh जबकि Poco M2 Pro में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 10 Play में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8,299 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें पोको M2 Pro की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें शाओमी पोको M2 Pro की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में पोको M2 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पोको M2 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है, दूसरा Oppo A53 2020 है, तीसरा Nokia 3.4 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y20 आई है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।